हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के साथ साथ 9 प्लैनेट थे, जिनमें से एक प्लैनेट को ग्रह के दर्जे से बाहर कर दिया गया, जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो सूर्य का चक्कर 248 सालों में एक बार पूरा करता था, और इस ग्रह को ग्रह के दर्जे से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यह सूर्य का चक्कर बेहद बेढंग तरीके से लगाता था और यह हमारे चाँद के एक तिहाई हिस्से के बराबर था। हेलो गाइस, मैं हूं एमजे और आप देख रहे हैं साईफाई टीवी। प्लूटो सूर्य का चक्कर बेहद बेढंग तरीके से लगाने के कारण यह कभी नेपच्यून के कक्षा में जाकर तो कभी काइपर बेल्ट के बाहर जाकर सूर्य का चक्कर लगाता था। जब प्लूटो सूर्य के करीब होता है तो यह सूर्य से 4.5 अरब किलोमीटर दूर होता है, और सबसे ज़्यादा दूरी की बात करें तो यह 7.5 अरब किलोमीटर दूर चला जाता है सूर्य का चक्कर लगाते हुए। प्लूटो इसके साथ साथ काइपर बेल्ट के बाहर से भी सूर्य का चक्कर लगाने लगता है। प्लूटो की खोज क्लाइड टेम्बो ने 18 फरवरी 1930 को की थी। अगर बात करें इसके वायुमंडल का तो इसका वायुमंडल बेहद पतला है। इसका वायुमंडल नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के जमने के कारण बहुत पतला हो जाता है। गर्मियों में इसकी बात करें तो इसका वायुमंडल में जाके इसकी गैसें मिल जाती हैं, जिससे इसका वायुमंडल फिर भी बेहद कमजोर रहता है। प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं बल्कि बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। इसकी कुछ बातें इस तरह हैं कि यह अपने सूर्य का चक्कर बेढंग तरीके से लगाने के साथ साथ कभी कभी प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट में भी जाके चक्कर लगाने लगता है, जिसके कारण वैज्ञानिकों में कुछ मतभेद हो गया कि यह शायद नेपच्यून का कोई मून है जो किसी कारण से नेपच्यून से दूर चला गया। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये काइपर बेल्ट के बाहर और काइपर बेल्ट में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं या मेल खाते हैं। 2004 में हाउमेया और माके माके, जो लगभग प्लूटो के समान थे, इनकी खोज हुई, जो कि प्लूटो से लगभग समान ही थे, बहुत हद तक एक ही तरह के थे। 2005 में काइपर बेल्ट के बाहर एरिस मिला, जो कि प्लूटो से भी बड़ा था और प्लूटो से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी। इसी कारण से प्लूटो, हाउमेया, माके माके, एरिस को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। चाहे जो भी हो, प्लूटो के साथ जो भी हुआ, मेरी समझ से तो बहुत गलत हुआ। इसे प्लैनेट का दर्जा देना चाहिए था, क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगा तो रहा था, चाहे भले ही थोड़ा बेढंग तरीके से लगा रहा हो। आपकी इसमें क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।